नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किस हिस्से में होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, और इसी के साथ किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान, तो दो दिन पूर्व उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश संभव। मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में कद्दूका जगह गर्म हवाएं चलने का अंदेशा, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। कोंकण में बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी तैयार करें, तो मध्य प्रदेश में मूंग की फसल को चूसक कीटों से बचाने के उपाय करें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है अंपन। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठे चक्रवात की गति और ताकत और ज्यादा बढ़ने की आशंका। बता दें आपको, कल उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही दो दिन गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो कल असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं बुधवार को हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज बरसात की आशंका है। इसके साथ ही कल दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। मंगलवार को केरल में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। वहीं कल पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है, तो कल गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो जानिए आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं, अगर अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं आगे आने वाले दो दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं कल हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं, तो दो दिन असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार हैं। कल अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। कल और बुधवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। दो दिन झारखंड में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। कल मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं दो दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। कल और बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात संभव है। इसके साथ ही मंगलवार को केरल में कई जगह बारिश का अनुमान है, तो दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। तो जाना आपने आगे आने वाले दो दिनों की अगर हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हुई, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई, साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात हुई, तो ओडिशा में इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। वहीं अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा हुई, तो केरल और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी और तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। बता दें तेज हवाओं के बारे में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली, वहीं पश्चिमी राजस्थान के इक्का दुक्का इलाकों में तेज हवाएं चली। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना अभी आपने मौसम का हाल, बढ़ते हैं आगे और अब आपको तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा।
वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। बता दें आपको, देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। खरगोन में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं अगर अब आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि तेलंगाना में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया, तो हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में रहा। फतेहगढ़ में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहा तापमान का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में बात होगी खेती किसानी की और आपको खास तौर पर जानकारी देंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें और सही तरीके से देखभाल भी हासिल कर सके। आइए इन तमाम जानकारियों पर आधारित एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कोंकड़ के किसान आम और नारियल के नए पौधों को सहारा दें। यहाँ के किसान तैयार धान की कटाई का काम कर लें। साथ ही काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान में रखें। कोंकड़ में बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी तैयार करें। पुणे के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई करें। साथ ही तैयार आम की तुड़ाई का काम कर लें। इसी तरह कोल्हापुर के किसान भी तैयार मूंगफली की खुदाई कर लें, साथ ही उपज को सुरक्षित स्थान में रखें। यहाँ के किसान टमाटर को फल छेदक कीट के हमले से बचाने के लिए दवा का छिड़काव करें। किसान दवा का छिड़काव साफ मौसम में ही करें। साथ ही तैयार आम की तुड़ाई करें और गन्ना फसल को तना छेदक कीट से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा की 30 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। विदर्भ में तैयार धान, तिल और मूंग की फसल की कटाई जारी रखें। इसके अलावा विदर्भ में सब्जी और फलों के पौधों में सिंचाई कर लें। अकोला में मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार करें। अब बात मध्य प्रदेश की। बुंदेलखंड के किसान मूंग की फसल को चूसा कीटों से बचाने के उपाय करें। रोकथाम के लिए किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। साथ ही बैंगन और टमाटर की फसल को फल छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के उपाय करें।
बुंदेलखंड के किसान इस समय खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के किसान बेल वाली सब्जियों को फल मक्खी से बचाने के लिए ट्राइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। झाबुआ क्षेत्र के किसान मूंग और उड़द में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, साथ ही फलों के पौधों में भी 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मालवा के किसान टमाटर और बैंगन में सिंचाई करें, साथ ही तैयार गोभी वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई का काम कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको बताएंगे अमरूद फसल की देखभाल के बारे में। ये जो समय है अमरूद की देखभाल करने का बिल्कुल सही समय है, और अगर ऐसे पे सही तरीके से इसकी देखभाल कर ली जाए, प्रबंधन कर लिए जाए, तो आगे चलकर निश्चित तौर पर इसका अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सकता है। कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। माना जाता है कि अमरूद अमेरिका और वेस्ट इंडीज से आया, लेकिन भारतीय जलवायु में ये इस कदर घुल मिल गया है कि हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। भारत में अलग अलग तरह का मौसम होता है, कभी भीषण गर्मी पड़ती है तो कभी भयंकर सर्दी। अमरूद दोनों तरह के मौसमों को सहन कर लेता है। उपज के मामले में आम, केला और नींबू वर्गीय फलों के बाद अमरूद का नंबर चौथा है। अभी इसकी बड़वार का समय है, नई बड़वार जिस पर फूल लग रहे हो उसकी शाखा का 3/4 हिस्सा काट कर निकालते। ऐसा करने पर हालांकि बरसात की फसल कम हो जाएगी, लेकिन रबी के दौरान बड़ी संख्या में फल आएंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है, तेज धूप और गर्म हवा बाग की नमी को सोख लेती है, इसलिए सिंचाई का खास ख्याल रखें और हर 10 से 15 दिन बाद सिंचाई करते रहें। अमरूद के जिन बागों में फूल आ रहा है उनमें 10% यूरिया का घोल छिड़कें। ऐसा करने पर जायद के दौरान अधिक फल प्राप्त होंगे। अमरूद में आमतौर पर मार्च से मई के बीच फूल लगते हैं। इसकी फसल अगस्त से लेकर मध्य अक्टूबर तक मिलती है, इसलिए बाहर नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए यूरिया का 10% घोल बनाकर फूलों पर छिड़कें। तेज धूप से पेड़ों के झुलसने का भी खतरा है, इससे बचाव के लिए तनों और बड़े अंगों पर कॉपर और चूने का लेप लगाएं। अमरूद की बुआई साल में 2 बार की जा सकती है, पहली बार फरवरी मार्च में और दूसरी बार जुलाई अगस्त में। जिन किसानों ने फरवरी मार्च में रोपाई की थी वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहे। तो जाना आपने अमरूद फसल की देखभाल आप किस प्रकार बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगर अब आपको बताते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी के कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में दलहनी फसलों की थ्रेशिंग कर लें किसान। यहाँ के किसान चना, मटर और मसूर फसलों की कटाई कर थ्रेशिंग कर लें। जम्मू कश्मीर के किसान अदरक और हल्दी का रोपण कर लें। यहाँ के किसान गेहूं की कटाई और मक्का की बुआई जारी रखें। जम्मू कश्मीर में टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च में सिंचाई कर लें। घाटी के किसान खरीफ मक्का की बुआई कर लें। लेह इलाके के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई पूरी कर लें। तो जाना आपने मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में धान की नर्सरी के लिए खेतों को तैयार कर लें किसान। इसके साथ यहां के किसान मक्का बुआई की तैयारी कर लें। हिमाचल प्रदेश में भिंडी, मटर, फ्रेंच बीन, पालक, मूली और गाजर की बुआई कर लें। यहां के किसान गोभी वर्गीय सब्जियों के पौधों की रोपाई कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश में धनिया, मेथी और अरबी बो सकते हैं किसान। यहां के किसान टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई का काम कर लें। वहीं उत्तराखंड में मसूर और ज्वार की बुआई का काम कर लें किसान। तो यहां के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए वो कौन सी खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आइए इसके साथ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। हम सभी जानते हैं कि ये समय काफी चुनौतीपूर्ण है, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसे में भी हमारे किसान दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि वो कुछ सावधानियां जरूर बरतें और मंत्रालयों द्वारा साथ ही ICAR द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही हैं उनका पालन अच्छी तरीके से करें। कौन सी है वो सावधानियां, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 38 और नई मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। पहले चरण में 585 मंडियों की सफलता के साथ दूसरे चरण में 415 नई मंडियों को एकीकृत करने के लिए ई नाम का और विस्तार किया गया। ई नाम प्लेटफॉर्म में अब 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूदा मंडियों को नेटवर्किंग करने के मकसद से किया गया था, जिससे भारत में कृषि जिन्सों के लिए एक राष्ट्र एक बाजार का निर्माण हो सके। पिछले 4 सालों में ई नाम ने 1.66 करोड़ किसानों, 1.31 लाख व्यापारियों, 73,151 कमीशन एजेंडों और 1,012 FPO को उपयोगकर्ता आधार पर पंजीकृत किया। इस समय खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, सब्जियों और फलों समेत 150 वस्तुओं का व्यापार ई नाम पर किया जाता है। COVID-19 के चलते किए गए लॉकडाउन के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों का समाधान करने के लिए कृषि मंत्री ने ई नाम के 3 नए मॉड्यूल लॉन्च किए थे, जिनमें ई नाम एक FPO मॉड्यूल, वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक मॉड्यूल शामिल है। ई नाम के ये कदम किसानों, व्यापारियों और मंडियों को सामूहिक रूप से एकजुट होकर एक इकाई के रूप में काम करने व ऑनलाइन बिक्री और कृषि खरीद की दिशा में ई नाम पोर्टल के जरिए आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। तो जान लिया आपने उन तमाम सावधानियों के बारे में जो आपको बरतने की ज़रूरत है जब भी आप खेतों का रुख कर रहे हैं कृषि कार्य करने के लिए। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है अंपन। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठे चक्रवात की गति और ताकत और ज्यादा बढ़ने की आशंका। बता दें आपको कल उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो कल असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं बुधवार को हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज बरसात की आशंका है। इसके साथ ही कल दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। मंगलवार को केरल में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। वहीं कल पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है। तो कल गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को मौसम खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।